हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगा आपको दुबई रहते रहते। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, 20 किलोमीटर दूर रह गई है मेरी लोकेशन। आज मेरे साथ जा रहा है मेरा भाई अजमल और शमी, दोनों अपने चुन्नू मुन्नू। भाई जब मैं नया नया दुबई आया था और एयरपोर्ट से अपने कैंप के लिए आ रहा था, तो उस तरह की फीलिंग आ रही है, क्योंकि रात में बहुत थके हो रहे थे। अभी भी जैसे ड्यूटी से थके हो रहे हैं, और इसी तरह का माहौल था। बस ये एक्साइटमेंट थी कि कैसा कैंप होगा, कैसे लोग होंगे, बहुत सारे मन में सवाल थे, तो कुछ इस तरह की फीलिंग है। क्योंकि अभी हम पहली बार जा रहे हैं ग्लोबल विलेज, जो कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, तो पहली बार जा रहे हैं, देखते कैसा कुछ एक्सपीरियंस होगा। जो कुछ भी होगा आप सबको दिखाएंगे। लोकेशन पे तो पहुंच गए, लेकिन एक ट्रेजेडी हुई यहाँ पे आने के बाद हमारे साथ, कि हम वीआईपी पार्किंग में चले गए, और वीआईपी पार्किंग में जाने के बाद कितने 10 दिरहम पे करवाने पड़े भाई। और ये सारा कुछ समी की वजह से हुआ है। समी बोल रहा मैं स्मार्ट हूँ यार, मेरे को पता है सारा कुछ यहाँ से। अगर वहाँ पे एक घंटे तक खड़ा कर देते अगर गाड़ी को, तो 100 दिरहम का तो पार्किंग हो जाता, एंट्री टिकट 15 दिरहम के। अभी यहाँ इतनी दूर जाके इधर फ्री पार्किंग में पार्क करने के लिए आए, तो गाड़ी से आने का एक यही मसला है। आप ध्यान से अच्छे से देख लेना कौन सी लेन है आपकी पार्किंग वाली। तो ये देखो सामने, भाई गाड़ी पार्क करके हम मेन गेट पे आ गए हैं, और आप पीछे देखो कितना बढ़िया नजारा है यहाँ पे। तो अभी समी टिकट ले रहा है। ये तो मेरा डोलू है, ये मेरा बोलू, और मैं कालिया नहीं भाई, मैं छोटा भी हूँ, और तू मेरा जग्गू, जग्गू बंदर, और वो राजू, राजू बड़ा ही नटखट। यार समी टिकट 20 दिरहम की एक टिकट है, वैसे ऑनलाइन तो 15 की दिखा रखी थी, लेकिन यहाँ पे 20 दिरहम की। अभी चाय पीने के लिए इधर आए हैं, कड़क टी के लिए। तो भाई जिस तरह से समी भाई अपने को लोकेशन पे चाय पिलाता है, उसी तरह से भाई आप ही कोई बात नहीं उसको तो आने दे। ये भाई बोल रहे मेरी गलती ना भाई, देख भाई को चाय पिलाना कोई गलत बात है, ये बता दे तू एक बार, ये बता बता। तो समी भाई बोल रहे यार ये क्यों बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ। तो अभी चाय पीते पीते अंदर चलते है भाई। आज यार आज आज समी भाई नाराज हो गया यार, समी भाई नाराज क्यों हो गया, आ जा यार, चल नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, चाहे इधर ही खत्म करें तो ठीक है यार। समी बड़ा भाई है मेरा, इसकी माननी पड़ेगी, रिस्पेक्टेड पर्सन इज। अभी अमेरिका का ये टावर बना रखे, और साथ में इसके लंदन है, उधर चाइना, और ये सारे रसिया सब कुछ है यहाँ पे, पूरी दुनिया यहाँ पे आप घूम सकते हो। सो गाइस, या वेयर आर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम इन पेरिस। Yes, he is from Paris and he came to Dubai. You are came for visit or just you are living here? No, no, I visit. Yeah. Okay, have a great day, okay? Yeah, okay, see you. Okay. What is your channel? RD Vlogs Dubai. What? RD Vlogs Dubai. Okay. Yeah, thank you. तो भाई ये दुबई का सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी दुनिया से लोग घूमने आ रहे हैं। वैसे तो दुबई में सारी दुनिया से आते हैं, यहाँ के लोकल तो बहुत कम है। सामने और इंडियन है। क्या हो गया, सामने इंडियन है क्या? भाई दुबई आ रहे हो तो सर्दियों के टाइम में ग्लोबल विलेज में जरूर आना, इतनी अच्छी वाइब्स है, इतना अच्छा मौसम, और इतने अच्छे प्यारे लोग पूरी दुनिया से मिल रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है। और अभी देख सकते हो यहाँ पे पाकिस्तान का है, और उस तरफ में इंडिया का है। तो ये पाकिस्तान की मार्केट है, मतलब उसका एक्सपो का पवेलियन है, एक्सपो का नाम ले रहा हूँ मैं, ग्लोबल विलेज का पवेलियन है। देखो यहाँ की जैकेट्स, पूरी मार्केट है अंदर, लेदर जैकेट्स।
तो चलो ठीक है यार, एक बात तो अजमल है, इसी बहाने से हमने पता तो चल गया कि पाकिस्तान में किस तरह की मार्केट होती है। वैसे रियलिटी में तो हम जा नहीं सकते है ना। पाकिस्तान के पवेलियन में उसी टाइम ये म्यूजिक स्टार्ट हो गया और डांस स्टार्ट हो गया, तो इट्स फील लाइक दैट कि उन्होंने अपने लिए ही किया है ना। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा डांस था यार। ये एक नंबर के टाइम पे आया, सारे शो पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली जहाँ भी जा रहे उधर ही कोई ना कोई शो हो जाता है। चलो अभी यूएई वाले में चलते हैं भैया। चलो पता नहीं यार समी किधर गायब हो गया यार। समी उधर बोला था मैं पाकिस्तान वाले में, उधर भी नहीं मिला। अभी यूएई वाले में चलते हैं, देखते हैं उधर क्या है। तो भाई यूएई वाले में तो वही है, जैसे कि बाहर यहाँ की मार्केट है वैसी मार्केट इधर है। और ये समी भाई किधर था भाई, किधर गायब है? आई एम गुड, वेयर वर यू? कहाँ गया भाई तू? वैसे तो समी भाई के अनुसार इस तरफ नॉर्मल कंट्री है, उस तरफ चलते, उस तरफ अमेरिका इंडिया जैसी बड़ी बड़ी है, उधर चलते देखते हैं क्या हो। तो भाई ये किड्स थिएटर है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ शो चल रहा है, कुछ डांस कर रहे हैं, जैसे कि हम सर्कस में जाके देखते हैं। टिकट भी सस्ती यार, 15-20 दिरहम में, इतना अच्छा मौसम मिल रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इधर देखो भाई, बलूचिस्तान, चाइना, लेबनान, यूरोप, अमेरिका, रिवरलैंड, इंडिया। तो उधर कुछ शो चल रहा है, उधर देखने चलते हैं क्या कुछ है वहाँ पे। काफी सारे अरबी इकट्ठे हो रहे हैं, देखते हैं क्या है। साथ ही साथ में मैं रील्स भी बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो नहीं करते तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो भी बना रहा हूँ मैं साथ में, उसमें भी आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। ग्लोबल विलेज पैकेज मन नसीब हम। भाई अरबियों का ही कोई, मेरे को लगता है कोई सिंगर आई हुई है, बस वही गा रही है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। बाकी क्राउड देखो आप कितना ज्यादा है। तो भाई सारे कहो माल्टा माल्टा आ जाओ, देखो यूरोप आ गया भाई हमें, ठीक है। यूरोप के अंदर देखते हैं क्या कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, यूरोप का सारा कुछ नजारा मिल जाएगा। तो भाई बहुत ही बढ़िया नजारा है यहाँ पे भी, पूरा यूरोपियन फीलिंग है। इधर आए दिखाते हैं भाई लोगों को, ये देखो यार कितने बढ़िया बढ़िया खिलौने से रखे हुए हैं यहाँ पे। और वो स्पीकर कर ले आगे। तो सभी भाई एक बात तो बताओ, आप इसमें से कोई भी पसंद हो आपको मैं दिलवाऊंगा, आ जाओ। आप कौन सा पहन के दिखाओगे ये बताओ। हाँ यार सभी भाई, कौन सा पहन के बताओगे आप ये बताओ, जो भी बोल रहे वो आपको पहनाऊंगा। आपकी वाइफ के लिए, मैं आपके लिए दुआ सकता हूँ, आप मेरे दोस्त हो, तो जो भी बोलोगे आजा भाई मार्केट दिखाएगा, आ जा जो भी भाई बोलेगा सभी भाई को वही बुलाएंगे। बता कौन सा पसंद है, कौन पसंद है? ओ भाई मारो मुझे मारो। रिकॉर्डिंग। तो भाई ये तो यूरोप तक आपके विजिट था, आपको बताओ अभी तक कैसी लग रही है वीडियो, आगे भी बनाते रहेंगे और अमेरिका, इजिप्ट, रशिया, इंडिया सबका दिखाएंगे आपको क्या कुछ है। इंडिया में तो मैं जरूर जाके आऊंगा, वहाँ पे देखूंगा अपनी मार्केट की फीलिंग आएगी या नहीं। देखो यार कितना बढ़िया मौसम है ना यूरोप में। तो भाई अभी रशिया में एंट्री कर चुके हैं हम, रशिया का देखो कितना बढ़िया है माहौल यहाँ पे। भैया सभी एक बात तो है, रशिया का और यूरोप का लगभग सेम सा ही क्रिएचर है ना।
में तो ये लाइटिंग जो है ये ही जबरदस्त लगती है। देखो पीछे कितनी बढ़िया फोटो आएगी यहाँ पे। अगर रशिया में, वैसे तो यूरोप के जैसा ये साइड में यूरोप का है, उधर रशिया का है, तो दोनों भाई साथ में ये है। लेकिन ये जो वॉकिंग है यहाँ की तो वो बहुत जबरदस्त है। और ये अमेरिका है, अमेरिका के बैक साइड के डोर से चलते हैं भाई, देखते हैं अमेरिका में कैसी मार्केट है। जूते तो अमेरिका में ऐसे रख रख के जिस तरह अपने वहां 200-500 में सेल में बिकते हैं। अमेरिका का तो शुरू होते ही खत्म भी हो गया यार, अमेरिका में इतना कुछ खास नहीं है ना। किधर है इस तरह का तो इस तरह के मेरे को काफी सब्सक्राइबर बोलो, इस तरह काफी लोग मिल रहे हैं जो ऐसे रैंडमली बोल जाते हैं। काफी को तो मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाता हूँ, बट जो भी आता है तो वैसे अच्छा लगता है ना वीडियो में। ये सारी इधर चाइना की मार्केट है भाई, पीछे चाइना का पवेलियन है और यहाँ पे सारी चाइना की स्टॉल लगी हुई है, और इस तरफ भी अरबियों की स्टॉल लगी हुई है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई देखो हम अभी इंडिया के पवेलियन में जाने वाले हैं, देखते हैं इंडिया की मार्केट कैसी है और अंदर कैसा कुछ बना रखा है। बाकी सभी देशों का तो बहुत ही लाजवाब, अभी अपनी इंडिया की बारी आ गई है तो अंदर जाके दिखाते हैं आपको। मैंने लगता है इसमें तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा भाई, इंडिया वाले सारे म्यूजिक अपना इंडिया का यूज करते हैं और कॉपीराइट देने में तो सबसे नंबर वन पे। मेरी कितनी वीडियो पे ऑलमोस्ट मेरे को म्यूजिक चेंज करना पड़ता है। इंडियन फूड आते ही साथ ये आ गया, ताऊ की कपड़े की दुकान है इधर, और ये इंडियन फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड। चले इधर क्या मिलता है, गोलगप्पे खा ले गए, कोई स्ट्रीट फूड देखते क्या। समोसा दिखा रहे, खैर इन्होंने समोसा थोड़ी खाना। समी भाई आप जहाँ भी जाते हो अपने सियाल देखते हो क्या, मतलब क्या कुछ है, किसके लिए ले रहे हो इतना? बेबी के लिए। अरे वाह, बंदा तो ऐसा भाई जो विदेश में भी सोचता हो घर वालों के बारे में। तो भाई इंडिया के पवेलियन से भाई ने यहाँ से शाल लिए, दिखा तो दे शाल कैसी है निकाल के इसमें से। अच्छा है, कश्मीरी शाल, कश्मीरी शॉल ली है भाई ने, 170 दिरहम की कॉस्ट पड़ी है इसको। बहुत ही अच्छी शाल है और बहुत ही अच्छा डिजाइन है। ठीक है भाई, आपको जो चाहिए था वो तो मिल ही गया, आपको कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करी अपने इंडिया वाले पवेलियन से। घर नहीं जाने देगा ना क्यों? अगर मैं ग्लोबल विलेज में कोई शॉपिंग नहीं किया, बीबी को जब पता चलेगा मेरे को थोड़ी ऐसे रहने देगा? सही बोलना है, सही बात है। ले भाई अजमल तेरा फेवरेट प्लेस आ गया है, घर पे बोल रहा था ना तू अपने रूम पे कि भाई गोलगप्पे खाने आ जा फिर अभी। समी आज अजमल की विश तो पूरी कर दिया यार, इतने बार बोल रहा था ये यहाँ के, मैं याद दिला रहा हूँ उसको। ये नहीं खाने का बड़ा पाव? नहीं, ये पानी पूरी। यहाँ पे भी एक गा रहा है गाना राजस्थानी भाई, में जब आ रहे हो अगर वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाए तो इंडिया के साइड वाले में ही यहाँ पे वॉशरूम है, फीमेल और मेल दोनों यहाँ पे है। इन केस बता देना चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम आती है। मैम एक गोलगप्पे एक प्लेट देना, पानी पूरी दे दो। अजमल भाई की विश पूरी कर दिया इंडियन पवेलियन में आके, गोलगप्पे खाने की भाई की विश थी कि बोले बहुत स्वाद मिलते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल से गोलगप्पे दिखाइए समय एक बार जूम करके, वैसे तो नॉर्मल से है लेकिन ठीक है। ठीक है यार उस समय गोलगप्पे तो सही थे, मैं इंडिया गया था वहां भी नहीं खाए थे सीधा, अभी मैंने पता नहीं कितने 6-7 महीने बाद गोलगप्पे खाए हैं और ठीक था, टेस्ट बढ़िया था, लेकिन 16 दिरहम के ओनली 6 गोलगप्पे थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि गोलगप्पे खाए हैं, खाए नहीं है, खाया है, सिर्फ एक गोलगप्पा बाटम आया है भाई। और वैसे ठीक था, ऑलमोस्ट अच्छा विजिट रहा यहाँ पे ग्लोबल विलेज में आके। इन केस इफ यू वांट टू कम यू कैन विजिट, अभी तो बहुत कुछ है यहाँ कुछ दिखाने के लिए, बट दिखा नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी 10:15 हो रहे हैं रात के,
और कल ड्यूटी पे भी जाना तो इसलिए जल्दी पहुंचना, तो बाकी की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे जो भी कुछ होगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर देना भाई। क्यों भाई? ठीक है भाई, राहुल दया बहुत अच्छा वीडियो बनाते, उसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, ओके, बाय बाय।